तो और सुना भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए पीडीएफ। पीडीएफ क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारे दिखाए गए स्टेप को फॉलो करें। भैया आपको प्ले स्टोर पर हर तरह का ऐप मिल जाएगा, पर मैं डॉक स्कैनर ऐप को डाउनलोड कर रहा हूँ, यह भी आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया पूरा ध्यान रखें, फोकस करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही ऐप खोलोगे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपने अगर गैलरी से निकालनी है तो गैलरी पे आपको परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन अलाउ कर देनी है। आपने गैलरी में जाना है, ये नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, गैलरी में जाओ। आप इमेज पे भी क्लिक कर सकते हो सीधी फ़ोटो खींचने के लिए, पर अगर आपने फ़ोटो खींच रखी है तो सीधा गैलरी में जाओ। गैलरी में जाने के बाद आपने जो फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, जिसकी आपने पीडीएफ बनानी है, उस फ़ोटो को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने गैलरी पे क्लिक किया आपको फ़ोटो दिखाई जाएगी। आपके पास नीचे भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें से भी अपना एक एल्बम चूज़ कर सकते हो जिसमें आपके पास फ़ोटो है। अब आपने उसमें से कोई फ़ोटो चूज़ कर लेनी है, जितनी चाहिए आप उतनी फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे डन का ऑप्शन है, डन क्लिक करो। यहाँ पे आपने मैन्युअल क्लिक करना है, ऑटो क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक करेगा, अगर आप मैन्युअल करोगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पर क्रॉप कर देना, आपको जितना साइज़ चाहिए आप उतना साइज़ सेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे आपको और ऑप्शन दिखाए जाएंगे, सबसे पहले आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे कटिंग का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे आपके पास कलर फिल्टर है और भी कई ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन को ट्राई करने के बाद आपके पास डन का बटन आ जाएगा। पहले इन ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको फ़िल्टर का बटन दिख रहा है, आप फ़िल्टर कर सकते हो कोई भी आपको जो दिखाया जाए। आप टेक्स्ट रख सकते हो, इरेज कर सकते हो। इरेज आप तभी करना है जब आपने बैकग्राउंड चूज़ कर रखा हो, नहीं तो मत करना, फालतू लगेगा काम। इसके बाद आपने आपके पास सिग्नेचर है, टेक्स्ट है, डूडल है, कितने सारे ऑप्शन है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे एक आगे करने का बटन है, यहाँ पे आप मोर पे भी और ऑप्शन देख सकते हो, नहीं तो अगर आपका डन है तो आप आगे बढ़ो। जैसे अगर आपने कोई गलती कर दी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको दोबारा मौका देगा, आप दोबारा आके या अंडू करके उसे सही कर सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दूसरी इमेज आएगी वो भी कंप्लीट करने के बाद आप क्लिक करें ओके। इसके बाद आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, तैयार है पीडीएफ। आप इसे देखो, यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है, आप इसे दोबारा एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन है, ओपन पीडीएफ, यहाँ पे एंटायर डॉक्यूमेंट करना, लास्ट डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे सेव का बटन आ रहा है, ओपन पीडीएफ, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ देखने का ऑप्शन था, यहाँ शेयर का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, आप सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल में, फोल्डर में, अपने फ़ोन में। इसके बाद आपको जैसे आगे बढ़ोगे आपके पास और भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप सेव ओनली फाइल नहीं एंटायर डॉक्यूमेंट क्लिक करें ताकि पूरी फाइल सेव हो जाए। एंटायर डॉक्यूमेंट सेव करना है आपने। जैसे आप सेव करने पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखिए पीडीएफ और जेपीजी, आप दोनों फाइल में से कोई भी फाइल चूज कर सकते हो, आपने जो बनानी है। उसके बाद आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे आपके पीडीएफ कोई खोले तो उससे पहले वो पासवर्ड भरना पड़े, तभी वो एंटर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसके बाद आप अगर पासवर्ड लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो आप सेव पर भी क्लिक कर सकते हो। यह शेयर का बटन है, आप इसे किसी को शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, आप ट्राई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप इंटरनल स्टोरेज, माई डॉक्यूमेंट, सीधा क्लाउड में भी अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट अगर आपकी मर्जी है तो। रीनेम से आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, आपको तो पता ही होगा कैसे नाम चेंज करते हैं। तो भैया पीडीएफ बनाना बहुत आसान है, इस ऐप में आप आसानी से डाउनलोड करके पीडीएफ बना सकते हो। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को।